लहरों से डरकर नौका कभी पार नहीं होती और हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। इन्हीं शब्दों को सच कर दिखाया है मध्य प्रदेश के देवास जिले की एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ने, जिसके सूझबूझ से एक गर्भवती महिला की जान बचाई गई। तो पूरा मामला यह है कि बागली विकास खंड के ग्राम देहरिया साहू में शनिवार के दिन आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ने ग्रामीणों की मदद से 2 घंटे के संघर्ष के बाद गर्भवती महिला को नाले में पानी का तेज बहाव होने के बावजूद निकालकर अस्पताल पहुंचाया। गर्भवती महिला अनीता पति संजय की 2 दिनों से तबीयत खराब थी। जब आंगनवाड़ी कार्यकर्ता लीला पाटीदार को जानकारी मिली तो ग्रामीणों के सहयोग से ट्रैक्टर ट्राली से महिला को नाले तक लाए, फिर खटिया पर महिला को लेटाकर पानी के तेज बहाव होने के बावजूद दोनों किनारों से रस्सी बांधकर रस्सी के सहारे गर्भवती महिला को नाला पार करवा कर अस्पताल पहुँचाया। गर्भवती महिला देहरिया साहू से 1 किलोमीटर दूर स्थित इमली बारी मोहल्ले में रहती है और मुख्य मार्ग पर नाल घाट नाम का नाला पड़ता है जिस पर पुल नहीं है, जिसमें लगातार बारिश के चलते कमर कमर पानी तेज बहाव से बह रहा है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता लीला पाटीदार ने स्थानीय लोगों की मदद से नाले के दोनों किनारों से रस्सी बांधकर गर्भवती महिला जो बेहोशी हालत में थी उसे खटिया पर सुलाकर रस्सी के सहारे उक्त नाले में बह रहे तेज पानी को पार करवाकर हाटपिपलिया शासकीय अस्पताल पहुँचाया, जहाँ पर महिला स्वस्थ है। एक कहावत है, डर के आगे ही जीत है, उसी कहावत को आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ने आज सच साबित कर दिया। बागली से रवि पाटीदार की रिपोर्ट। कल 9 बजे मेरे पास फोन आया, नालगाटा नदी के उस पार अनिता पति संजय प्रसव पीड़ा हो रही थी। नदी के उस पार 7-8 परिवार की बस्ती है। नदी में ज्यादा पानी होने के कारण निकालने का दूसरा रास्ता नहीं था। फिर मैंने आशा कार्यकर्ता सुनीता विश्वकर्मा को बुलाया और अपने बेटे को भी रस्सी लेकर बुलाया और बोला कुछ भाइयों को साथ लेकर आना है। फिर मैंने अंतर सिंह जी पाटीदार जो उसी की तरफ खेत पे रहते हैं उनको फोन लगाया कि आपके ट्रैक्टर से गर्भवती को खाल के पास लेकर आओ। अंतर सिंह पाटीदार जी उनके ट्रैक्टर में पानी भी गिर रहा था तो बरसाती लगाई, फिर ट्रैक्टर में बिठा के गर्भवती को खाल के उस पार लेकर आए। फिर रस्सी इधर से उधर बांधी, एक रस्सी को तो ट्रैक्टर से बांधा और एक को बिजली के खंभे से बांधा। फिर कुछ ग्रामीण लोग सब इकट्ठा हुए और एक खटिया लाए, उसके बाद खटिया पे फिर गर्भवती को लेटाया। तबीयत खराब थी उसकी, सीरियस थी। खटिया पे लेटा कर उसको फिर रस्सी के सहारे नदी पार करवाई। फिर 108 को बुलाया हाटीपलिया स्वास्थ्य केंद्र से और उसको 108 में हाटीपलिया स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।